विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपको कक्षा 9 गणित की पहली प्रश्नावली संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 की पहली सवाल पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, इसकी पहली सवाल है, क्या शून्य, एक, परिमेय संख्या है? बच्चों, शून्य क्या है आपको पता है, क्योंकि गणित में शून्य एक ऐसी संख्या है, किसी संख्या के बगल में उसे लिख दिया जाता है तो उसका 10 गुना हो जाता है। तो शून्य तो आपको पता है, फिर कह रहा है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, हो सकता है आपको पता हो या नहीं पता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? गणित में ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में पाई जाती हैं, गणित में ऐसी सभी संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। गणित में ऐसी सभी संख्याएं जो भिन्न के रूप में, किस रूप में? भिन्न के रूप में होती हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहती हैं। अब मन में आपके प्रश्न उठ रहा होगा कि भिन्न क्या है, भिन्न किसे कहते हैं? तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो अंश एवं हर से मिलकर के बनी होती है। भिन्न में एक संख्या अंश होती है, दूसरी संख्या हर होती है। अंश जो है ऊपर लिखा जाता है और हर नीचे लिखा जाता है। जैसे भिन्न है, भिन्न को हम लिख सकते हैं पी बटा क्यू, जहाँ पी बराबर अंश और क्यू बराबर हर, इसे हम भिन्न कहते हैं। और यही भिन्न क्या होगा? एक बराबर परिमेय संख्या। बच्चों, भिन्न तो परिमेय संख्या होता है, सभी भिन्न जो है वो परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन इस परिमेय संख्या होने की एक शर्त रखी गई है। वो शर्त क्या है? पहली शर्त है कि क्यू माने हर, क्यू का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। क्यू का मान एक या एक से अधिक होना चाहिए और पी का मान कुछ भी हो सकता है। अर्थात परिमेय संख्या क्या है? ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिसका हर
एक या एक से अधिक होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आ जाइए सवाल पे बच्चों, अब कह रहा है शून्य, एक परिमेय संख्या है, अर्थात शून्य बराबर पी बटा क्यू। शून्य बराबर पी बटा क्यू, अगर शून्य एक परिमेय संख्या है तो शून्य जो है वो पी बटा क्यू के रूप में होनी चाहिए। तो अब यहाँ तो पी बटा क्यू है, यहाँ शून्य अकेला है। तो यदि किसी संख्या में कोई हर नहीं है तो उसका हम हर सदैव एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक। तो जीरो बटा एक बराबर पी बटा क्यू। तो यह जीरो जो है पी बटा क्यू के रूप में है भी, और क्यू का मान शून्य न हो करके एक है। तो अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पी का मान बराबर शून्य तथा Q का मान बराबर एक है, जो यह बताता है कि P का मान कुछ भी हो सकता है और Q का मान एक है, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। बच्चों अगर शून्य बटा दो हो जाएगा, शून्य बटा तीन हो जाएगा, शून्य बटा चार कुछ भी कर सकते हैं, तब भी शून्य जो है एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य जो है का बटा हम हर एक कर देंगे तो यह पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगी, जहां क्यू का मान शून्य न हो करके एक है। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। बच्चों दूसरी